तो चलिए सीधे एक बार आपको फिर से देवरिया ले चलते हैं, जहां से बीजेपी नेता पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? मिल रही है। नमस्कार जी। पंकज जी, जिस तरह से प्रमोद सिंह जी जनता के बीच काफी प्रिय थे, उन्हें काफी ज्यादा माना जाता था कि जनता के मुद्दे वो उठाते थे, अब किस तरह से आप उनकी विरासत आगे लेकर जाएंगे? कल उनकी श्रद्धांजलि सभा एवं संकल्प रैली है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हैं। कल उनके श्रद्धांजलि सभा में आकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे एवं जो उनके संकल्प थे, उनके विचार थे, वो जनता के बीच में रखने का कार्य करेंगे। देवरिया सदर सीट से आपको दावेदार बना दिया गया है, ऐसी कौन सी प्रमुख वहां की समस्या है जिसको आप उठाएंगे और जिसके लिए काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो भी मुझे दायित्व देगी वो निष्ठापूर्वक काम करूंगा, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन विषयों पर पार्टी अभी काम भी कर रही है और आगे भी हम काम करेंगे। बिल्कुल, अगर रोजगार की बात की जाए तो देखिए, आपको भी पता है कि इस समय रोजगार देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और विपक्ष भी उसको लेकर बीजेपी को बहुत समय से घेरता आ रहा है। रोजगार के लिए आप युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? रोजगार के लिए हम यहाँ पर चीनी मिल लगवाने की मांग पहले से कर रहे हैं और हम आगे प्रयास करेंगे कि यहाँ पर चीनी मिल लग जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार का अवसर मिल जाए। और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे फैक्ट्री लगवाने का कार्य करेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, और देखिए, योगी सरकार ने इस बार देवरिया को एक मेडिकल कॉलेज दिया है, आपको क्या लगता है कि उससे आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है? निश्चित तौर पे मेडिकल कॉलेज हम देवरिया वासियों के लिए एक तोहफे के रूप में है। ये ना कि देवरिया वासियों के लिए, जबकि बलिया, कुशीनगर, सारे जगह के लोग यहाँ पर आकर अपना इलाज कर सकेंगे, ना कि यूपी एवं हम तो ये मानते हैं कि बिहार से भी चलकर लोग आकर यहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जिस तरह से देखिए, आपके पिता एक बहुत अच्छे नेता थे, विधायक थे, बहुत जनता के बीच में उनका नाम था क्योंकि काम हमेशा से वो बहुत अच्छा करते थे। तो आपको क्या लगता है, आपके सामने क्या कुछ चुनौती आ सकती है? क्योंकि देखिए, जितना कुछ काम आपके पिता ने किया है, कहीं उससे ज्यादा अब आपको भी करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उनके विचारों को, उनके संकल्पों को जनता के बीच में लेके जाकर काम करने कार्य करेंगे और निश्चित उनका नाम दिन रात चौगुना रोशन करने का काम किया जाएगा। समाज को किस तरह ऊपर लेकर चलना है, इस चीज का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, बस एक आखिरी सवाल, देखिए इस बार सबसे ज्यादा चुनाव में जो ध्यान दिया जा रहा है वो महिलाओं पर दिया जा रहा है, अगर आपकी बात करूं एक व्यक्तिगत तौर पर भी और एक चुनाव से जोड़कर भी, आप महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए क्या वो अहम चीज करेंगे जो अब तक देवरिया में नहीं हुई है? हम ये चाहेंगे महिला सशक्तिकरण हो और महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर रोजगार करने का अवसर मिले और महिलाओं के लिए भी रिजर्वेशन लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।